जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक लूप में फंस जाए और आपको एक ही दिन को बार बार जीना पड़े, ऊपर से कुछ खतरनाक लोग आपकी जान के पीछे पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है रॉय के साथ। वो एक ही दिन को न जाने कितनी बार जी चुका है, इसलिए पहले से ही जानता है कि आगे क्या होगा। हर सुबह वो ना सिर्फ इस एक हत्यारे से निपटता है, बल्कि हर रोज हेलीकॉप्टर में एक आदमी मशीन गन लिए उसे गुड मॉर्निंग बोलने पहुंच जाता है, जिसे रॉय भैया ने चाकू फेंक के मार दिया। इस सब के बीच वो अपनी एक्स वाइफ की फोटो को निहारने लगा, और फ्लैट में ब्लास्ट होने से ठीक पहले रॉय खिड़की से कूद कर सीधा एक ट्रक पर लैंड हुआ। वैसे हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ट्रक भी रॉय पर लैंड कर जाता है। इसके बाद हर रोज वो एक आदमी से उसकी कार छीनता है, जो हर रोज चिल्लाता है, कोई बचाओ, मेरी गाड़ी छीन रहा है ये आदमी। वहां से जल्दी निकलने के चक्कर में वो गाड़ी तेजी से भगा रहा था, और फिर ये हुआ। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है अटेम्प्ट 79, मतलब रॉय अब तक इस दिन को 79 बार जी चुका है। इसके बाद रॉय को इतना तो समझ आ गया था कि कोई तो उसे मारना चाहता है, मगर क्यों ये नहीं पता। कभी रास्ते में कुछ औरतें उसे गोली मार देती, तो कभी एक बौना उसे बम से ही उड़ा देता। ग्वान येन नाम की एक तलवारबाज लड़की हर बार उसे मारने से पहले अपना नाम बताती थी। इसके बाद उसका एक हमशक्ल भी था, जो उसकी जान के पीछे पड़ा था। रॉय को भरोसा था कि उसकी एक्स वाइफ जेमा उसके सभी सवालों का जवाब दे सकती है, तो उसने जेमा को कॉल लगाया, मगर कॉल उसके बॉस वेंटर ने उठा लिया, जिसके पीछे एक बहुत ही भड़कीली सी मशीन थी। उसने ये भी बताया कि जेमा की तो कल रात को ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, यानी उसका टाइम लूप शुरू होने से पहले ही जेमा मर चुकी थी। वो बहुत हताश हो गया, लेकिन उसके पीछे लगे ये खतरनाक लोग उसे दुख भी नहीं मनाने देते। अगले दिन हर रोज की तरह रॉय तेजी से गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान बचाता भाग रहा था। उसने किसी तरह उसका पीछा करने वाली औरतों से वो ग्रेनेड लॉन्चर छीन लिया, और उन्हीं के हथियार से उन्हें उड़ा दिया। इसके बाद रॉय अपने फेवरेट नूडल कैफे में पहुंचा और थोड़ी पेट पूजा करने लगा। इसी बीच हम डेव को देखते हैं, जो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। दूसरी तरफ डाई फैंग नाम की एक फेमस चाइनीज तलवारबाज भी वहां मौजूद थी। रे ने शराब पीते हुए नोटिस किया कि घड़ी में 12:47 हो गए हैं। इतने में सभी लोग इकट्ठा होकर रॉय को मारने आ गए और उसे गोलियों से भून दिया। इसके बाद हमें रॉय के टाइम लूप में जाने से पहले का दिन दिखाया जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ के ऑफिस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए अपना रिज्यूम देने गया था। पता चलता है कि सिक्योरिटी की जरूरत ऑफिस वालों को नहीं, जेमा को है। जेमा ने अचानक से रॉय के सर से कुछ बाल काट लिए। उसका व्यवहार बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने रॉय से पूछा कि क्या उसे उसका भेजा हुआ जन्मदिन का तोहफा मिल गया था। जेमा ने रॉय के गले लगकर उसके कान में कहा कि वो ओसायरिस वर्ड को याद रखे। तभी 3 गार्ड्स वहां आ पहुंचे और उन्होंने रॉय को बाहर भेज दिया। उसके जाने के बाद जेमा के बॉस वेंटर ने उसे धमकाते हुए कहा कि वो जिस चीज पर काम कर रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, और वो अपने पुराने आशिकों को ऐसे ही अंदर नहीं बुला सकती। रात के तकरीबन 3 बजे रॉय एलिस नाम की एक लड़की, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट है, उसके साथ एक बार में बैठा था। एलिस के बाथरूम में जाने के बाद बारटेंडर ने बातों बातों में उससे कहा कि वो इस लड़की के साथ मौज मस्ती भले ही कर ले, लेकिन उसकी आंखों में प्यार किसी और के लिए है। इतने में उसे जेमा का फोन आया। वो रॉय के बालों के सैंपल के साथ कुछ कर रही थी। उसने रॉय से कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए उस चीज में जिसमें वो सबसे अच्छा है। ये कहकर वो मशीन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि वेंटर और उसका सिक्योरिटी हेड ब्रेट सब कुछ सुन और देख रहे थे। तो वेंटर ने जेमा को पकड़कर उसके पास लाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन सुबह जब रॉय उठा तो लूप शुरू हो चुका था। उसने जेमा के कहे मुताबिक उसका दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा ढूंढा। वो आईसेट और ओसायरिस नाम की एक किताब थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर में बैठकर मशीन गन वाले भैया आ गए और रॉय की गेम कर दी। लेकिन अब रॉय की लाइफ सैमसंग के पुराने फोन की तरह बार बार रिस्टार्ट हुए जा रही थी। कभी कोई मार देता तो कभी कोई। फास्ट फॉरवर्ड करके हम फिर से वर्तमान समय में पहुंचे। रॉय किसी तरह बचता बचाता जेमा की गिफ्ट की हुई किताब के साथ एक अंडरग्राउंड गेमिंग स्टोर में चला गया। किताब पढ़कर उसे पता चला कि आईसेट ओसायरिस नाम के एक इजिप्शियन लीडर की पत्नी थी। किताब के आखिर में जेमा ने लिखा था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। रॉय को इस किताब में कुछ भी काम का नहीं लगा। अचानक से उसकी नजर अपने बेटे जो पर पड़ी, लेकिन जो को ये नहीं मालूम था कि रॉय ही उसका बाप है। क्योंकि उसे अपने बेटे के साथ समय बिताकर अच्छा लग रहा था, तो उसने सोचा कि चलो इसे पिज्जा खिला के लाते हैं। वहां से बाहर निकलते ही रॉय ने नोटिस किया कि सामने घड़ी में 12:50 हो गए थे, और ये पहली बार था कि रॉय इतनी देर तक जिंदा रहा। मगर तभी वहां गैंग की एंट्री हो गई, और वो समझ गया कि वो ज्यादा देर तक जिंदा सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि वो अंडरग्राउंड एरिया में था, जहां उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाया। रॉय ने अपने बेटे को गोलियों से बचाया
और अपनी आखिरी सांसें भरते हुए कहा कि वो ही उसका असली पिता है। डर के साथ साथ उस आखिरी लम्हे में रॉय को अपने बेटे की आंखों में अपने लिए प्यार दिखा। लूप के फिर से शुरू होने पर वो एक नए जोश के साथ उठा। उसने सुबह उस पर हमला करने वाले आदमी से पूछा कि उन्होंने ट्रैकर कहाँ लगाया है। अब रॉय कैसे भी वो ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढना चाहता था। वो अपने फेवरेट नूडल कैफे के वॉशरूम में गया और अपनी बॉडी और कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने लगा, मगर बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ मिला नहीं। फिर रॉय को उस सिक्योरिटी ऑफिसर डेव की याद आई, जो उस समय नूडल शॉप में ही मौजूद था। उसने डेव से पूछा कि अगर उसे किसी की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना हो तो वो कहाँ करेगा, जिस पर डेव ने बताया कि ट्रैकर छुपाने की सबसे बढ़िया जगह है कि किसी के दांत के अंदर लगा दो। और ये सुनते ही रॉय उसे वॉशरूम में ले जाकर पागलों की तरह अपने दांत उखाड़ने लगा। किस्मत से दूसरे ही दांत के अंदर ट्रैकर मिल गया। तभी वहाँ हमशक्ल रॉय आया और उसे गोली मार दी। अगले अटेम्प्ट में रॉय ने सबसे पहले वॉशरूम में जाकर उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाला। उसने ट्रैकर की मदद से एक एक करके सभी गैंग मेंबर्स को ठिकाने लगा दिया। तभी उनमें से एक के मोबाइल पर ब्रेट का कॉल आया। रॉय के फोन उठाने पर ब्रेट ने उसे चैलेंज किया कि अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा लैब में। आजा, अपना रॉय किसी से डरता थोड़ी है। वो भी सीधा लैब की ओर निकल गया, मगर पहले अटेम्प्ट में तो गाड़ी दीवार में ठोक के स्टार्टिंग में ही ब्रेट के हाथों मारा गया, मगर अगले अटेम्प्ट में गाड़ी उड़ाकर उसने लैब में सीधी एंट्री मारी। जब गार्ड्स गोलियां बरसाते हुए गाड़ी के पास गए तो पता चला कि ये तो रॉय का बिछाया हुआ एक जाल था। गार्ड्स के पास पहुंचते ही उसने गाड़ी में रखे एक्सप्लोसिव्स फोड़ दिए। उसने हमशक्ल रॉय को ठिकाने लगाकर उसका सिक्योरिटी बैच भी ले लिया। पहले तो उसका सिक्योरिटी बैच काम नहीं करता, और बाद में जब उसने जुगाड़ से लिफ्ट खोल भी ली तो बाहर ब्रेट और उसके आदमी गश्त लगाए बैठे थे। तो उसने खुद को ही गोली मार कर दोबारा से ट्राई करने का फैसला किया। अपने अगले अटेम्प्ट में रॉय पहले से ही जानता था कि वो लोग लिफ्ट खुलने पर उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो वो साइड से गया और सबको खत्म कर दिया। आगे चलकर उसका सामना ग्वान यिन से हुआ, जो कि बहुत खतरनाक तलवारबाज है, पर रॉय के पास तो बंदूक है। लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चला कि बंदूक खाली थी। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रॉय भैया मारे गए। रॉय ने बहुत बार उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वो ग्वान यिन से नहीं जीत पाता, और वो हर बार उसे एक ही बार में खत्म कर देती। एक अटेम्प्ट में वेंटर ने उसे जिंदा पकड़ लिया और मारने से पहले अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। दरअसल जो मशीन हमने देखी थी उसका नाम है ओसायरस स्पिंडल, और उसमें ताकत है इतिहास को बदलने की। असलियत में जो भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह ये मशीन ही थी। जेमा ने बिना वेंटर को भनक लगे रॉय के बालों के इस्तेमाल से उसके डीएनए को मशीन में डाल दिया था, और ये बात साफ थी कि वेंटर को इस बात का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि फिर वो रॉय को ये सब क्यों ही बताता। रॉय ने जेमा की उसके जन्मदिन पर दी हुई किताब को फिर से पढ़ा और वो समझ गया कि जब तक उसका डीएनए मशीन में मौजूद है उसे कोई नहीं मार सकता। उसे ये भी समझ आया कि जेमा उस पर कितना भरोसा करती थी। वो जोश से भर उठा, मगर अभी भी उसके रास्ते में ग्वान यिन थी। अपने अगले अटेम्प्ट में वो उससे लड़ने की बजाय नूडल कैफे में जाकर लेजेंडरी चाइनीज तलवारबाज डाई फैंग से मिला। उसने डाई फैंग से उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहा, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही दिन के लिए वहाँ आई थी। रॉय फट से मान गया कि एक दिन बहुत है मेरे लिए। वो हर रोज डाई फैंग के पास जाता और उससे तलवारबाजी सिखाने की बात करता। धीरे धीरे वो बेहतर होता गया और अपने 174th अटेम्प्ट में वो एकदम तैयार हो गया। इसके बाद वो ग्वान यिन से लड़ने पहुंचा। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और पास की दीवार से एक तलवार उठा ली। उसने लाजवाब तलवारबाजी दिखाते हुए ग्वान यिन को खत्म कर दिया। तभी ब्रेट और वेंटर भी वहां आ गए। उसने अपनी तलवार ब्रेट के माथे में गाड़ दी। जैसे ही वेंटर ब्रेट की बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ा, रॉय उससे पहले ही तलवार लेकर उस तक पहुंच गया। वेंटर को शक हुआ कि एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। लगता है ये साउथ की फिल्में नहीं देखता। खैर, वो समझ गया कि जेमा ने मशीन के इस्तेमाल से उसे समय के एक लूप में डाल दिया है। वेंटर ने रॉय को बताया कि जब वो यहाँ आकर उसके गुंडों से लड़ रहा था तो उसने उसके बेटे जो को मारने का बंदोबस्त कर दिया था। ये सुनते ही रॉय जल्दी से जो के पास पहुँचा, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे पता चला कि वो पहले ही मर चुका है। अपने बेटे की मौत देखने के बाद रॉय सारी उम्मीद खो चुका था। वो जानबूझकर हत्यारों को अपने आप को मारने देता, लेकिन एक दिन उसने सोचा, बस बहुत हुआ, जब ये दिन बार बार चलना ही है तो क्यों ना उसे अपने बेटे के साथ बिताए। तो रॉय हर दिन जो के साथ गेम्स खेलते हुए बिताने लगा, और शाम को जब वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते तो सब खत्म हो जाता। मगर एक दिन जो ने बताया कि उसे सुबह उसकी माँ का कॉल आया था, जिसमें जेमा ने उसे समझाते हुए कहा था कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो रॉय से बात कर सकता है। रॉय ने ये बात कंफर्म करने के लिए जो से उसका फोन लिया, जिससे उसे यकीन हो गया कि सुबह जेमा सच में जिंदा थी और उसके पास अब भी मौका है उसे बचाने का।
रॉय अगले अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी वेंटर और ब्रेट को मारकर कैमरा रूम में गया। उसने देखा कि सुबह जब वो उठता है तो उसके 15 मिनट बाद तक जेमा जिंदा थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने खुद को गोली मार दी ताकि वो जल्दी से लूप रीसेट करके उसे बचा सके। अगली सुबह उठकर रॉय ने सीधा हेलीकॉप्टर पर ही छलांग लगा दी। उसने मिनी गन वाले गुंडे को मार दिया और पायलट को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर में ही लैब की तरफ निकल पड़ा। उसने सभी गुंडों को रॉकी भाई के स्टाइल में हेलीकॉप्टर की मशीन गन से उड़ा दिया। वो जल्दी से उस जगह पहुंच गया जहां जेमा मरने वाली थी। एन मौके पर उसने एंट्री मारकर बेट और वेंटर का खेल खत्म कर दिया। आखिरकार उसने जेमा को बचा ही लिया। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को इजहार किया। आखिरी सीन में रॉय स्पेंडल की तरफ गया जिससे उसका ये टाइम लूप टूट जाएगा। तो आपकी जिंदगी में ऐसा सबसे खूबसूरत दिन कौन सा रहा है जिसे मौका मिलने पर आप बार बार जीना चाहें? कमेंट्स में जरूर बताना।